संभल के चंदोसी विधानसभा 31 से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विमलेश कुमारी ने बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव रंजन से मुलाकात कर 10 मार्च 2022 को होने वाली विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना एवं ईवीएम वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा को लेकर 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विमलेश कुमारी ने निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि ईवीएम की सुरक्षा हेतु भेजोई स्थित वेयर हाउस में अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने एवं लोकल पुलिस के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग की है। पोस्टल बैलेट पेपर की सूची एवं प्रपत्र 12 के अनुसार पोस्टल मतपत्र प्राप्त करने वालों की सूची देने की मांग की है। इसके साथ ही मतगणना के दिन आरंभ से समाप्ति तक अपने कैमरों से मतगणना की वीडियोग्राफी करने की अनुमति देने की मांग की है। चुनाव कार्य में लगे तहसीलदार दीपक कुमार चौधरी चंदोसी को भी मतगणना कार्य से हटाने की मांग की है, क्योंकि तहसीलदार चंदोसी भाजपा प्रत्याशी के सगे संबंधी बताए जा रहे हैं। आशंका है कि मतगणना के दौरान यह पार्टी विशेष के प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही सपा प्रत्याशी ने ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के साथ ही निष्पक्ष मतगणना कराने हेतु सभी उपाय करने की पुरजोर मांग की है। आज हमारी 2-3 शिकायतें थी निर्वाचन आयोग को, जो हमने सूचना किया है कि हमारे विधानसभा में कितने मत कर्मचारियों के पड़े, उनकी संख्या, जितने कुल उनकी सूची है, जितने मतदाता हैं, और वो उपलब्ध कराई जाए कि कितने कुल वोट उनके पड़ गए। और हमारी मांग है कि जिस दिन 10 तारीख को हमारे यहाँ पर मतदान की चुनाव की गणना होने जा रही है, उसके हेतु सुरक्षा हेतु हम अर्ध सैनिक बलों का उपलब्धता चाहते हैं, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके। और विशेष अनुरोध हमने अपने डीएम साहब से ये भी किया है कि यहाँ हमारे जो ईवीएम रखी हुई हैं उसका हमें नक्शा नहीं उपलब्ध कराया गया है कि किस नक्शे के आधार पर वो ईवीएम हमारे अंदर हॉल में स्थापित की गई हैं, और उनकी सूची हमें उपलब्ध कराई जाए। उसकी मतदान गणना वाले दिन हमें सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दी जाए, जिससे कि हम निष्पक्षता का पूरा जो है पारदर्शिता के साथ हमारा मतगणना हो सके, और हमें सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी हमें प्राप्त हो सके। इस हेतु हमने आज डीएम साहब को अपनी शिकायत पत्र दे करके चुनाव आयोग को भी हमने डाक के द्वारा और मेल के द्वारा अवगत कराया है। किसी अधिकारी को भी हटाने की मांग की है यहाँ? हाँ, यहाँ हमने जो एआरओ साहब हैं वो हमारी मंत्री जी के सजातीय संबंधी हैं, तो हमें थोड़ी आशंका है उनसे कि हमें शायद चुनाव में निष्पक्षता की हमें थोड़ी सी लग रहा है कि कुछ डर है हमें, लोग हम भय के साए में कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसकी वजह से हमने उनको यहाँ से हटाने की मांग की है।